हेलो एवरीवन, फिर से एक नया वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमन और आप देख रहे हो मेरे यूट्यूब चैनल स्मेल ऑफ नेचर। मैं इस वीडियो में आप लोगों को दिखाने वाला हूं 350 ईयर्स ओल्ड एक बहुत ही पुराना पेड़ जो हम लोगों के बीच अभी भी खड़ा है, वो मैं आज देखने जा रहा हूँ और आप लोगों को भी दिखाने वाला हूँ। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाला है, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना और बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो है तो एंड तक ज़रूर देखना। तो ये जो पेड़ है, ये पेड़ है वेस्ट बंगाल की एक बहुत ही पॉपुलर डिस्ट्रिक्ट पश्चिम मिदनापुर की चांदकुड़ी इलाके में ये पेड़ अभी भी हम लोग के बीच खड़ा है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। एटलीस्ट मैं पहुंच चुका हूँ उस पेड़ के पास जो आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने बेसब्र से इंतजार किया, और मैं भी देखने के लिए बहुत, क्योंकि ये पेड़ बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार भी है देखने में। तो ये जो पेड़ है, मैंने पहले ही बोला था ये पेड़ 350 ईयर्स ओल्ड का एक पेड़ है। इस पेड़ का जो नाम है, एक्चुअल नाम है खिरकनी, और इसको लोकली जाना जाता है खिरकुल नाम से, ठीक है। तो इसका साइंटिफिक जो नेम है, इसका साइंटिफिक नेम है मानिलकरा एक्सांडरा। मैं इस वीडियो में इस पेड़ के बारे में जो डेटा आप लोगों को देने वाला हूँ, वो हर एक डेटा इन्वायरमेंटल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने दे चुके हैं इस पेड़ के बारे में। वो इन्वायरमेंटल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का नाम है ट्रॉपिकल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्थ एंड एन्वायरमेंटल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इस ऑर्गेनाइजेशन का सेक्रेटरी जो है डॉक्टर प्रणब साहू, ये जो डेटा है, ये डेटा दे चुके हैं इस पेड़ के बारे में। सर, डॉक्टर प्रणब साहू इस पेड़ के बारे में जो इन्फॉर्मेशन हम लोग को दे चुके हैं, उस इन्फॉर्मेशन के जरिए हम लोग जान सकते हैं ये जो पेड़ है ईयरली 21,000 लीटर ऑक्सीजन एनवायरनमेंट को देता है। इस पेड़ को आप लोग गौर से देखो तो इस पेड़ में बहुत सारे ऑर्किड, फर्न, परजीवी जो पौधे हैं वो आप लोगों को दिखाई देगा। सिर्फ पौधे नहीं, बहुत सारे कीड़े भी दिखाई देगा आप लोगों को, और आप लोग अच्छे से गौर से सुनो तो बहुत पंखियाँ भी यहाँ पे अब इस पेड़ को अपना घर बना लिया, ठीक है। पंखी के अलावा बहुत सारे सरीसृप, और ये जो पेड़ हम लोग देख रहे हैं, इस पेड़ में बहुत सारे प्रजाति की जो है कीड़े मकोड़े हैं वो भी आप लोग को दिखाई देगा बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। अल्टीमेट में बताऊँ तो ये जो 350 ईयर्स ओल्ड जो पेड़ है, ये सिर्फ पेड़ नहीं, बहुत सारे पौधे और प्राणी को भी देता है, ठीक है। आई मीन बहुत सारे प्राणियों का घर है ये। आप बहुत अच्छी तरीके से ही पेड़ को ऑब्जर्व कर सकते हो, आई मीन देख सकते हो कि पेड़ बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और आप ये जो पेड़ देख रहे हो, इस पेड़ का नाम है खिरनी, और इस पेड़ 350 ईयर्स ओल्ड की उससे भी बहुत ही पुराना एक पेड़ है, और इसका सरकमफेरेंस आई मीन परिधि है 15 फुट, हाइट है आई मीन उच्चता है 50 फुट, और विस्तार है 2,500 फुट। हमारा बंगाल में एक बात है, एक्टी गाच एक्टी प्राण। आखिर में मैं पूरा का पूरा वीडियो का एंड में मैं ये बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि हम लोग की बहुत ही बुरी न्यूज़ आ चुके हैं, वो है कि रोड कंस्ट्रक्शन के लिए ये जो पेड़ है, ये पेड़ काटा जाएगा, ऐसा कुछ न्यूज़ हम लोग को सामने आ चुके हैं। इसलिए डॉक्टर प्रणब साहू ने जाके उस पेड़ के बारे में रिसर्च किया और बहुत ही इन्फॉर्मेशन हम लोग को दे चुके हैं। आखिर में मैं ये कहना चाहता हूँ कि रोड कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और बहुत इंडस्ट्री कंस्ट्रक्शन, बहुत सारे चीज़ों के लिए बहुत ही जंगल और बहुत ही पेड़ पौधे हम लोगों को बीच से गायब हो रहा है, ठीक है, आई मीन काटा जा रहा है। तो मैं आप लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि सेव ट्री सेव लाइफ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा, और ऐसे बहुत सारे वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल जो स्मेल ऑफ नेचर है, तो उसको सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। तो आखिर में मैं ऐसा बहुत सारे वीडियो आप लोगों को सामने ले आ सकता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।